लड़की के चेहरे पे खुशी देख रहे हो? ये ना एक कैमरा लेने की खुशी है। हाँ भाई, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक और स्पेशल था। सबसे पहले मुझे सुबह जल्दी उठना था क्योंकि आपके भाई के एग्ज़ाम चल रहे हैं। यार आज मेरे एग्ज़ाम है सीएस का, जिसके लिए मुझे धोलाकों जाना है पहले अपने कॉलेज। भाई एग्जाम हो चुका है और अभी मैं सत्य निकेतन आया हूँ बिरयानी खाने के लिए। क्योंकि सत्य निकेतन आए और यहाँ की बिरयानी ट्राई नहीं करी तो क्यों आए सत्य निकेतन? एग्जाम हो गया, बिरयानी भी खा ली। अब आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो करना था, जिसके लिए मुझे जाना था चांदनी चौक। और चांदनी चौक अपनी दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। पहली है लाल किला, या अंग्रेजों के लिए रेड फोर्ट, और दूसरा है चांदनी चौक का ट्रैफिक। और फिर 1.5 घंटे के संघर्ष के बाद आपका भाई फाइनली पहुंचा चांदनी चौक। और चांदनी चौक की जो वाइब्स है ना, वो मैं आपको वर्ड्स में तो नहीं बता सकता, लेकिन दिखा जरूर सकता हूं। तो पेशे खिदमत है चांदनी चौक इन स्लो मोशन। अनमोल भाई बहुत सटके मार लिए वीडियो में, काम क्या था वो तो बताओ। तो यार मैं गया था चांदनी चौक अपने लिए न्यू कैमरा खरीदने के लिए। ये है चांदनी चौक की फेमस कैमरा मार्केट। आज हम हैं यहाँ चांदनी चौक में कैमरा मार्केट में, बड़ी शानदार मार्केट, हर चीज यहाँ आपको मिल सकती है। और ये सबसे बेस्ट कैमरा मार्केट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं, और बहुत सी दुकानें होने की वजह से दुकानदारों के बीच में कंपटीशन होता है, और उनके उस कंपटीशन का फायदा हम लोगों को मिलता है प्राइस के रूप में। तो जितनी ज्यादा शॉप्स होगी उतना ज्यादा कंपटीशन होगा और उतना ही कम प्राइस मिलेगा हमें, चाहे वो कैमरास का हो या फिर एक्सेसरीज का हो। तो ये रीजन था चांदनी चौक से कैमरा खरीदने का। यार सुबह के 6 बजे से निकला हूँ और अभी रात के 8:15 बजे घर पे पहुंचा हूँ। इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना, क्या बताऊँ, पूरा दिन निकल गया आज चांदनी चौक में लगभग। और अभी काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन पहले मैं फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं पूरे कैमरा वगैरह की। और बाय द वे ये तीसरा शॉट है, पहले शॉट में आपको भाई रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया, दूसरे शॉट में रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, और अब ये तीसरा शॉट है और ये शायद से हो चुका है। अब सबसे पहला सवाल, मैंने कौन सा कैमरा लिया है? तो मैंने लिया है कैनन की तरफ से M50, जो कि एक मिररलेस कैमरा है। और क्यों लिया मैंने ये कैमरा वो बताने से पहले आपको बैक स्टोरी जानना जरूरी है। मतलब ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, 20-30 सेकंड की स्टोरी है, तो वीडियो में आए हो तो सुनी लो ये स्टोरी भी। मैं लगभग पिछले 1.5 साल से यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, और जो मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था वो मैं अपने मोबाइल से बनाता था, जो कि कहता रेडमी 3S प्राइम, जिसका कैमरा कुछ खास नहीं था, लेकिन मैंने 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे उस मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग की मदद से। और उसके बाद मैंने स्विच कर लिया निकोन के D3400 DSLR से, और उस टाइम से लेकर अभी तक जब मेरे 1,50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने उसी कैमरा से अपनी सारी वीडियो शूट करी है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि किस चैनल की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पे जिसमें मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, तो उस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो जो मेरा DSLR था वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल ठीक था, मतलब मेरा काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन उस कैमरा के 3 सबसे बड़े ड्रॉबैक थे। पहला था उसमें ऑटो फोकस अच्छा नहीं था, निकोन के जितने भी कैमराज है उसमें ऑटो फोकस इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो मेरे को मैनुअल फोकस पे ही शूट करनी पड़ती थी वीडियोस, तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम थी। एक दूसरा ड्रॉबैक था उस कैमरा में फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं थी, तो मतलब कैमरा की स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता चलता था, तो मेरे को अंदाजे से शूट करना पड़ता था फ्रेम रेम सेट करके अच्छे से। और तीसरा ड्रॉबैक था उसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाने का जैक ही नहीं था, तो मेरे को एक सेकंड दिखाता हूं मैं,
तो मेरे को इस तरह के एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर की मदद लेनी पड़ती थी और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में दोनों ऑडियो एंड वीडियो को सिंक करना पड़ता था, जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैंने डिसाइड किया था जैसे ही मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस चैनल पे, मैं अपने लिए एक नया कैमरा ले लूंगा जिसमें वो तीनों ही ड्रॉबैक्स नहीं होंगे। और ये जो कैमरा है कैनन का M50, ये तीनों ही ड्रॉबैक्स को सॉल्व कर देता है उस कैमरा के जो थे। मतलब इसमें फ्लिप आउट स्क्रीन भी है, इसका ऑटो फोकस इतना कमाल का है, और इसके अलावा इसमें एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए जैक भी है। तो मेरी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इस कैमरा की मदद से। बाकी इस कैमरा में भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है, इसमें जो लेंसेज लगते हैं वो आते हैं EFM लेंसेज। तो अगर आपके पास पहले कैनन के कोई लेंसेज है तो आप इसमें डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको खरीदना पड़ता है एक एडेप्टर, जो कि ये है कैनन का, तो ये अलग से आपको खरीदना पड़ेगा तभी आप अपने EF लेंसेज इसमें यूज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा मैंने एक 50mm लेंस भी लिया कैनन का, ये वाला। तो ये मैंने बेसिकली अपनी उस चैनल पे वीडियो शूट करने के लिए लिया है, काफी अच्छा बुके इफेक्ट देता है पीछे। बाकी आपको अपने एक्सपीरियंस से एक अंदर की बात बताता हूँ, कैमरा से ज्यादा लाइटिंग जरूरी है आपकी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है तो आप अपने मोबाइल फोन से भी जो वीडियो शूट करोगे वो काफी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, लेकिन अगर आपकी लाइटिंग ही अच्छी नहीं है तो आप चाहे 3,00,000 का कैमरा ले लो, आपकी वीडियो क्वालिटी जो होगी वो इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कैमरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइटिंग है, और इसके अलावा आपके गियर्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपका कंटेंट, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग आपको ढूंढ निकालेंगे कहीं से भी, चाहे आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे आप एक 3,00,000 के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो। कंटेंट में अगर आपके दम है तो आपकी वीडियो जरूर चलेगी, आपका चैनल भी चलेगा। बाकी कुछ दिन बाद मुझे फिर से चांदनी चौक जाना है, क्योंकि मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा बैटरीज खरीदनी है, इसके अलावा मेमोरी कार्ड खरीदना है, और एक रोड का माइक भी खरीदना है, शॉटगन माइक लूंगा कोई। बाकी अभी मुझे खाना खाना है और उसके बाद पबजी की लाइव स्ट्रीम भी करनी है। वैसे ये वीडियो मैं दिसंबर में शूट कर रहा हूँ, लेकिन आप ये वीडियो जनवरी में देखने वाले हो शायद से,